जनता ने आज एक्सपोज कर दिया भाजपा। मेरा को। सवाल भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गौरव भाटिया जी से है। ये मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं, लेकिन रोजगार और महंगाई पे मोदी जी की गारंटी की क्यों नहीं बात करते? और मैं पूछना चाहता हूँ, $4 trillion इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम में भारत श्रीलंका से भी पीछे। नाटक मत करो, हेलो व्हाइट गमछा, नाटक मत करो। कल भी आप आए थे, मैंने ही माइक लगाया था और आपने प्रश्न पूछा है। परसों आए थे ना, तो झूठ क्यों बोल रहे हो? पहली बार आया हूँ, लेकिन आपका ये अधिकार है कि आप पूछ सकते हैं। मैं आपके अधिकार के लिए लड़ूंगी, लेकिन झूठ मत बोलिए और नारेबाजी मत कीजिएगा। आपके अधिकार के लिए लड़ूंगी, परसों मैंने ही माइक दिया था, झूठ बोला आपने कि पहली बार आया। ए, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को अंजना ओम कश्यप जी ने ऐसा मजा चखाया कि दोबारा इनके शो में आने की तो हिम्मत नहीं करेंगे। हे हाय, हेलो, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और कई दिनों से हम देख रहे हैं कि रीसेंट जो वीडियोस अंजना ओम कश्यप नॉट मोदी के रिलीज होते हैं, उसके अंदर वो बीजेपी को डिफेंड नहीं कर रही हैं, बल्कि बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी हुई हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो होते हैं उनको धो डालती हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है कि बीजेपी हार रही है। इंडिया अलायंस इज डेफिनेटली विनिंग एंड वी लव इट, क्योंकि हम तानाशाही मुक्त भारत चाहते हैं। अभी ऐसे 100% डिक्टेटरशिप पे नहीं पहुंचा है देश, पर अगर मोदी जी रहे गद्दी पर विराजमान तो वो दिन आते भी देर नहीं लगेगी। तो देश का उज्जवल भविष्य अब हमें तय करना है। आप ही के वोट से गठबंधन की सरकार पावर में आएगी। एक एक छोटा छोटा सवाल, इन्होंने पहले कहा कि गलती पुरुष करे या महिला करे, चाहे कोई भी करे, सबको सजा मिलनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और अभी जब ये बोल रहे थे बीच में, भाजपा वाले ये बोल रहे थे, तो अब इन्होंने बोला कि नहीं, महिला का सम्मान कीजिए, महिला का सम्मान कीजिए। ये तो यहीं पर ही बातें बदल रहे हैं, ये यहीं पर ही अपनी स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं। थैंक यू। ग्रेट, जनता पार्टी से है इनको, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जो कार्य कर रही है ना, अभी जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी को एंट्री करवा रही है, इनको अपनी पार्टी का नाम बदल देना चाहिए। इन्हें भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी कर देना चाहिए। आप देख लीजिए, आप नवीन जिंदल को देख लीजिए, आप जाके असम के मुख्यमंत्री जो बिस्वा साहब, उनको देख लीजिए। हाँ, पूरी लिस्ट है, जनता ने आज एक्सपोज कर दिया भाजपा। मेरा को। सवाल भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गौरव भाटिया जी से है। ये मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं, लेकिन रोजगार और महंगाई पे मोदी जी की गारंटी की क्यों नहीं बात करते? और मैं पूछना चाहता हूँ, $4 trillion इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम में भारत श्रीलंका से भी पीछे है। न्यूज चैनल में, आपके चैनल पे मैंने देखा। अरे भाई, वहीं से रिलीज हो रहा है ना। मैंने आपके चैनल पे देखा, फिर अपनी पार्टी के पेज पे देखा, हमने नहीं जारी किया। पहली चीज, अंदर का सीसीटीवी कौन देखा? पूरा फुटेज जारी कर दीजिए ना, होगा ना अंदर वीडियो? नहीं, वकील ने कहा कि ब्लैंक। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बताने दीजिए ना। इन्वेस्टिगेशन चल रही है अंजना जी, चलने दीजिए। पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए अंजना जी। पुलिस कहानी खत्म हो जाएगी। टीवी यार सब ले गए, निकालने दीजिए उनको, कुछ मिलेगा तो दिखा देंगे। उनके पास सारा कुछ है, इनकी पुलिस है। अब तक कुछ होता वो छोड़ते हमें क्या? बिना सबूत के ले जाते हैं, जवाब दीजिए। दूसरी चीज सुनिए, अभी इन्होंने पूछा प्रधानमंत्री कौन, तो सुनिए, हमारे देश में ना कभी भी व्यक्ति विशेष नहीं होता था 2014 से पहले तक, देश आगे है। अब ये एक नया फॉर्मूला चला था 2014 के बाद कि व्यक्ति विशेष हो गया, ऐसा नहीं होता। हम लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे, हम लोग सब मिलकर डिसाइड कर लेंगे, सब में किसी में दिक्कत नहीं है। कोई प्रधानमंत्री बनने का इच्छुक और लालची नहीं है। गौरव, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। ये जो भ्रष्टाचारियों को आप लोग गले लगाते हैं, वो भी उत्तर दूंगा। हाँ, इस पर जवाब बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले, पापी आप व्यक्ति विशेष नहीं है, 3 साल का टर्म था कन्वीनर का, 13 साल से अरविंद केजरीवाल ही है, लेकिन व्यक्ति विशेष हम नहीं है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री पद से जेल जाते हैं, कोई पापी आप में अच्छा नेता नहीं मिलता है। सुनीता केजरीवाल आके बैठ जाती है तिरंगे के साथ, लेकिन हम व्यक्ति विशेष नहीं है। और चुनौती देता हूं, 10 सेकंड के लिए जाइएगा जरूर इनके पास, जनता के बीच में एक बार कह दें, खालिस्तान मुर्दाबाद, फंडिंग लेते हैं खालिस्तान से, अगर कह दें मैं सल्यूट करूंगा कि आपकी प्रवक्ता ने कहा खालिस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे। दूसरी बात आप सुनिए, महंगाई पे सबसे बड़ी बात है, जब यूपीए की सरकार थी तो औसतन महंगाई 8% 9% बहस हो गई हो तो थोड़ा चुप हो जाएंगे, थैंक यू। महंगाई, औसतन महंगाई 8-9% और 10-13% तक गई, हमारी सरकार में 4.5% है। भ्रष्टाचारी हमारी पार्टी में आने की बात करी है, एक ऐसा नेता नहीं है।
हेमंत शर्मा का सुना रहे मैं उत्तर दे रहा हूँ। अब जनता को लिस्ट साथ दे रहा हूँ, गलत हो तो कहिएगा अंजना जी, गलत हो तो कहिएगा। बहुत टाइम हेमंत शर्मा विटनेस है अंजना जी, हमको भी भैया क्या करे, वक्त हमारा है, टाइम हमारा है, तो देना ही पड़ेगा। 400 सीटें लाते हैं, टाइम खत्म हो रहा है। चलिए ठीक है, आपके समर्थन आप भैंसों को नहलाइए और चारा खाइए, आप चिंता ना करिए। चलिए सुनिए, अब मैं आपका सूत्र खोलिए। दीपक जी उत्तर नहीं, मैं उत्तर दे दूं कंप्लीट प्लीज। अंजना जी इतना लंबा टाइम ले रहे हैं, एक्चुअली सवाल है, उत्तर दे पूरा कहानी का ना। अंजना जी 340 पे आई, तो आइए तो सीटें तो इतनी नहीं मिल रही, जितना चाहिए पे उत्तर दे रहा हूं। हेमंत बिस्वा शर्मा विटनेस है, गलत नाम लेते हैं, झूठ। मुकुल रॉय सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अजीत पवार को एक सेकंड मैडम एक सेकंड, अजीत पवार सुनते अब बोल लूँ। अजीत पवार को क्लोजर रिपोर्ट किसने महावसूली अखाड़ी ने लगाई, आपको ये भी नहीं पता। और सुनिए तीसरा, मुकुल रॉय टीएमसी में वापस चली गई, चार्जशीट हमारे टाइम में हुई, और वो मेरा भाई जो आया है एक रिकॉर्डिंग करके मैं आया हूँ, वो स्वाति इनके साथ हमारी प्रियंका जी के साथ चलता है, यही प्रश्न वहाँ पूछा अभी अभी वहाँ क्या है, वो भी आरोप लगाते हैं, ये लोग भी लगाते हैं, इग्नोर कीजिए। दीपक केजरीवाल जी की बात की, क्योंकि इन्होंने सुनीता केजरीवाल जी की बात, नाटक मत करो, हेलो व्हाइट गमछा नाटक मत करो, कल भी आप आए थे, मैंने ही माइक लगाया था और आपने प्रश्न पूछा है, परसों आए थे ना, तो झूठ क्यों बोल रहे हो, पहली बार आया हूँ, लेकिन आपका ये अधिकार है कि आप पूछ सकते हैं, मैं आपके अधिकार के लिए लड़ूंगी, लेकिन झूठ मत बोलिए और नारेबाजी मत कीजिएगा, आपके अधिकार के लिए लड़ूंगी, परसों मैंने माइक दिया था, झूठ बोला आपने कि पहली बार आया, लेकिन आप अधिकार है, आप फिर भी पूछ सकते हैं, अगर आप किसी पार्टी से भी जुड़े हैं आप प्रश्न कर सकते हैं। ये बार बार सुनीता केजरीवाल जी का नाम लिया, छोटा सा आंसर कि हमारे नेता शादी निभाते हैं बस। देखिए अंजना जी, अच्छा वो सोमनाथ भारती कुत्ते से कटवा रहे थे अपनी बीवी को शादी निभा रहे थे, सोमनाथ भारती कुत्ते से कटवा रहे थे शादी निभा रहे मंत्री देश गौरव जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे ना, तो कहते थे जब जब रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है, अभी क्या गिर रहा है, नरेंद्र मोदी जी का मैं कहूं कि चरित्र गिर गया है देश में, रुपया 84 रुपए पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले, तो जवाब देंगे नहीं दे पाएंगे, तो इनसे आप ये मत पूछिए कि इन्होंने क्या अच्छे दिन लाए, सिर्फ इन्होंने सपने दिखाए आपको और सिर्फ जुमलेबाजी किया है, एक गाना है ना, हमें तो लूट लिया मोदी जी के नारों ने, अच्छे अच्छे वादों ने और मीठे मीठे जुमलों ने, तो देश को इनके मीठे मीठे जुमलों ने किया है। अरे नरेंद्र मोदी की बात करो 10 सालों में जवाब तो महंगाई का, 20 रुपए लीटर पेट्रोल कम मिलेगा, 20 रुपए लीटर डीजल कम मिलेगा, 10 रुपए किलो चीनी कम मिलेगी, 15 रुपए 10 रुपए 15 रुपए किलो चीनी की बात करती थी नरेंद्र मोदी जी, पहले प्रधानमंत्री है, जब कहते थे आप वोट डालने जाइएगा, कल वोट पड़ेगा पूरे देश में, मैं कहूंगा कि आपके घर में जो सिलेंडर है ना उसको नमस्ते करके जाइएगा और याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे घर में देश में आग लगा रखी है। मंगलसूत्र की बात करेंगे लेकिन महंगाई की बात नहीं करेंगे, लेकिन मीट की बात कर लेंगे, मटन की बात करेंगे लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। सत्य प्रकाश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो आपकी सारी परिवारवादी पार्टियां रोजगार ढूंढ, अरे आप तो पलटू राम है, कितनी बार पलटोगे, कभी मोदी की गुणगान करते हो। स्टार्टिंग में आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बोला कि 2014 से पहले हमेशा देश आगे होता था और प्रधानमंत्री पीछे होता था, पर अभी ब्रांड वैल्यू ऐसी बनाई है मोदी जी ने कि हर जगह खुद की चमचमाती हुई फोटोग्राफ, पेट्रोल पंप पे भी अगर हम अपनी गाड़ी लेकर के जाते हैं तो वहां पे भी मोदी जी दिखाई देते हैं, जैसे कि वो खुद आएंगे और पेट्रोल भरेंगे गाड़ी में। वैक्सीन जब तक विनाशकारी साबित नहीं हुई थी तब तक ऐसे बड़े बड़े पोस्टर्स, हर जगह मोदी जी ने वैक्सीन गुरु बनने का अपना परचम लहरा रखा था दुनिया भर में, और अब उस पर कोई बात नहीं हो रही है। एंड यस, अंजना जी एटलीस्ट कह तो रही थी कि हाँ भैया भ्रष्टाचारी नेता हैं, उन नेताओं के नाम ले रही थी, नहीं तो पहले तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी बीजेपी वालों के सामने। सो इट्स अ पॉजिटिव साइन कि 4 जून बीजेपी शून्य, एंड वी रियली डोंट वॉन्ट भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी एनी मोर, बहुत हो गया भैया, हम तो अपने पुराने दिनों के साथ खुश थे, इन्होंने झूठे सपने आम आदमी को दिखाए और देश को लूट लिया। अब अच्छे दिन का तो पता नहीं पर पुराने दिन जरूर आ सकते हैं और वहां से शुरू होगा हमारा विकास। मैं निधि शर्मा फिलहाल आपसे लेती हूँ इजाजत, ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, खुश रहिएगा, सत्यमेव जयते, जय हिंद।